ये खराब हो गया, ये पानी छोड़ रहा है। इट्स नाइस, कैन यू सी? जय माता दी, लग जाओ, जय माता दी प्लीज। विंगार्डियम लेवियोसा, लेवियोसा नहीं लेवियोसा। अगर ये ट्रिक काम करेगी ना, लिटरली काफी सॉलिड वाला सेवियर हो जाएगा। हाय गाइस, आई एम कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक अगेन विद अ मेकअप सीरीज वीडियो। और ये वाली वीडियो तो काफी टाइम से पेंडिंग है, मतलब ये सारा नया सामान इतने टाइम से मेरे पास रखा हुआ है कि मैं वीडियो बनाऊंगी और वो डिले होती जा रही थी। कुछ ना कुछ नया आ जाता था, फिर मुझे लगता था अभी वेट करती हूँ, इसको भी इंक्लूड कर लूंगी। बिकॉज टुडे आई बी डूइंग टेस्टिंग न्यू मेकअप एंड यू कैन सी बहुत सारा है। ये दो बॉक्सेस, अभी एक बॉक्स और है और उसमें सारा नया सामान है जो मैंने अभी तक प्रॉपरली यूज नहीं किया। सो कहीं ना कहीं से मैं फर्स्ट इंप्रेशन भी आपको बता दूंगी। फ्लॉलेस मेकअप लुक क्रिएट नहीं करना चाहती, माई मेन मोटिव इज टू जस्ट रिव्यू द प्रोडक्ट्स। आपको मैं अभी बता दूंगी कि ये क्या है, अच्छे हैं अच्छे नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली एज अ रिव्यूअर मेरा ये काम है कि मैं आपको रिव्यू करूँ प्रोडक्ट्स रैदर देन जस्ट क्रिएटिंग सम फ्लॉलेस लुक। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर यहाँ पर आप नए आए हो, आपको मैं बता देती हूँ मेरा 100K का गिव अवे भी चल रहा है, सो आप उसमें भी जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड नॉट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्लीन बेस। मैंने खाली स्किन केयर किया है, नथिंग ऑन माई स्किन राइट नाउ। मैंने सुबह यूज किया था मिनिमलिस्ट का अल्फा आर्बिटिन सीरम एंड क्योर्स की सनस्क्रीन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन दोनों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बिकॉज फिलहाल हम मेकअप की बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1 विच इज प्राइमर। वी हैव न्यू लॉन्च हेयर राइट नाउ, वी हैव के ब्यूटी के कलर करेक्टिंग प्राइमर्स एंड दे कम इन 5 शेड्स बेसिकली। ये कलर करेक्टिंग प्राइमर है, ये रेगुलर प्राइमर्स नहीं है, दे हैव कलर्स इन देम बेसिकली, एज इन ये आपके फेस को करेक्ट करने में काम आते हैं। अब जब आप प्रोफेशनल मेकअप करवाते हो ना, वो डायरेक्टली कभी आपके फेस के ऊपर प्राइमर या फिर फाउंडेशन से स्टार्ट नहीं करते, वो पहले आपका कलर करेक्ट करते हैं फेस, बिकॉज फेस काफी अनइवन होता है। एक सिंगल शेड का फाउंडेशन उसको नहीं कवर अप कर सकता, और जब फ्लैश फोटोग्राफी में आप कहीं जाओगे, इवेंट में जाओगे, वो चीजें काफी ज्यादा प्रोमिनेंट विजिबल होती हैं। यू हैव द ऑरेंज वन, ये स्पेसिफिकली फॉर पिगमेंटेशन। सो ये ऑरेंज वाला यूज करने वाली हूँ मैं अपने अंडर आईज के ऊपर और अपने माउथ के साइड पर, बिकॉज यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन है, काफी लिक्विड है, एज इन काफी पानी पानी जैसा फील हो रहा है। एंड दिस इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट इन कलर, एज इन जैसे मैं एले गर्ल प्रो का यूज़ करती थी, ऑरेंज कलर करेक्टर, वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कलर करेक्टिंग प्रोमिनेंट था। बट आई गेस इन्होंने ये प्राइमर और करेक्टर का एक मिक्स बनाया ना, सो ये इतना ज़्यादा कलर पे ऑफ नहीं दे रहा। तो मैं रेड एक्ने मार्क्स, मतलब जो अभी करंटली हुए थे, हल्के हल्के इन्फ्लेमेशन होती है, वो थोड़े से रेड कलर के होते हैं ना, सो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ग्रीन वाला। दिस स्पेसिफिकली सेज कवर्स रेडनेस, सो लेट्स सी ये कैसा वर्क करता है। ऑरेंज वाला मुझे अभी तक डिसेंट लगा, आई वोंट कॉल इट वेरी हाई ऑन कलर करेक्टिंग। सो दिस इज हाउ द कलर लुक्स लाइक। ग्रीन वाला तो लिटरली मैंने अपने पूरे चीक्स पर लगा लिया, बट एज सच कोई कलर पे ऑफ नहीं आ रहा है, ये खाली रेडनेस को हल्का हल्का कम कर रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन ऑन के ब्यूटी प्राइमर्स, आई थिंक दे आर वेरी गुड फॉर ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन, बिकॉज ये काफी ज्यादा ड्यूई इफेक्ट दे रहे हैं, लाइक यू कैन सी द ग्लो। टच करने में मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कोई अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, बिकॉज ये वाटर बेस्ड सॉर्ट ऑफ मुझे फील हुए। कलर करेक्टिंग इन्होंने ऑलमोस्ट ठीक ठीक करी, आई वोंट से प्रॉपर वाली कलर करेक्टिंग करी है, अभी आपको हल्के हल्के विजिबल होंगे। मैंने ओवर नहीं लगाया, मैंने ज्यादा भर के लगाया, थोड़ा लगाया है। द गुड पार्ट इज आप इसको अपने पूरे फेस के भी लगा लोगे ना, तो ऐसा चीज कोई बहुत ज्यादा कलर पे ऑफ नहीं देगा। सो अगर आप ऑरेंज करेक्टर पूरे फेस पे भी यूज कर लोगे, आई थिंक इट वर्क्स, बट आपकी मर्जी, आपने स्किन कंसर्न के हिसाब से पिक कर सकते हो। बट फॉर वेरी ऑयली स्किन एंड अगर आप एक्सपेक्ट करो कि एकदम पोर फिलिंग वाला आपको इफेक्ट मिलना चाहिए, सिलिकॉन एकदम जो हम फाउंडेशन से पहले एक्सपेक्ट करते ना, वो सिलिकॉन स्मूथ सॉर्ट ऑफ स्किन, वो इससे नहीं मिलने वाली, बिकॉज दीज आर सिलिकॉन फ्री। आई हैव पोर्स इशू राइट हेयर और यहाँ पर ही काफी ज्यादा मेरा फाउंडेशन आके केकी केकी हो जाता है नोज के पास, यहाँ पर स्वेटिंग होने की वजह से। सो मुझे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ज्यादा पसंद है। सो मेरे पास है ये मेकअप रेवोल्यूशन का रेवोल्यूशन प्रो पोर प्राइमर, ये आपने मेरे हॉक मेकअप का, मैंने हॉल बनाया था छोटा सा, नायका के साथ ही कंबाइन कर दिया था, आपने उसमें देखा होगा, और ये तब से इसी बैग बॉक्स में रखा है। मैंने अभी तक इसको अप्लाई करके नहीं देखा, आई वाज जस्ट वेटिंग कि मैं वीडियो बनाऊंगी तभी इसको यूज करूंगी। इसकी पैकेजिंग सॉर्ट ऑफ के ब्यूटी जैसी है, लेकिन इसका ऐसा कोई कलर नहीं है, बिकॉज ये कलर करेक्टिंग प्राइमर नहीं है। सो लेट्स सी ये कितना पोर के ऊपर वर्क करता है, बिकॉज पर्सनली आई लाइक नाइस पोर फिलिंग सॉर्ट ऑफ इफेक्ट। ओ इट फील्स लाइक एल्फ वाला पोरलेस पट्टी प्राइमर होता ना, ये ऑलमोस्ट वैसा फील हो रहा है। नाउ आई कैन फील दैट पोर फिलिंग वाला इफेक्ट, बिकॉज इसने काफ़ी अच्छे से उस पोर्स को फिल करने में हल्का हल्का काम किया, मैं प्रॉपर भी नहीं बोलूंगी, इससे भी ज़्यादा हाई सिलिकॉन में मेरे पास प्राइमर्स हैं पर्सनली, और मुझे कोई इशू नहीं है। रात को अगर आप अच्छे से मेकअप रिमूव कर लो ना, तो सिलिकॉन से एज सच मुझे कोई इशू नहीं होता, बट इसने काफ़ी अच्छे से काम कर दिया और मैं स्किन को मॉइस्चराइज भी रखा है। सो अगेन दिस पर्टिकुलर प्राइमर बाय मेकअप रेवोल्यूशन इज ग्रेट फॉर कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ ऑयली स्किन।
स्किन बिकॉज इसने मेरी स्किन को मैट नहीं बनाया. मूविंग ऑन टू फाउंडेशन नाउ आई हैव टू ऑप्शंस राइट हियर. नंबर वन इज वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन. ये मैंने ऑलरेडी रील्स में यूज कर लिया था, बहुत टाइम से आया बॉक्स रखा था सो मैंने रेजिस्ट नहीं किया, मैंने इसको उठा के यूज कर लिया. जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे उन्होंने ऑलरेडी देख लिया होगा. सो ये फाउंडेशन मैंने लिया था श्रेया जैन की रिकमेंडेशन पर. शी लव्स इट, शी रेव्स अबाउट इट, शी सेज ये अफोर्डेबल के अंदर काफी अच्छा फाउंडेशन है. बट उनकी स्किन है ड्राई स्किन, सो ये ड्राई स्किन सूटेबल ही मैं बोलूंगी बिकॉज जिस दिन मैंने यूज किया था मुझे एक अच्छा हाइड्रेटिंग सॉर्ट ऑफ फील आया था. मुझे पर्सनली मैट फाउंडेशन अच्छे लगते हैं. सेकंड ऑप्शन है मेरे पास ये नेबलिन फिट मी का एक छोटा सा फाउंडेशन. ये उनका न्यू फॉर्मूला आया है, ये है क्ले बेस्ड समथिंग, मतलब इसके अंदर फाउंडेशन विद क्ले समथिंग है. ये जो बॉटल वाला नेबलिन फिट मी आता ना, ये उससे अलग उन्होंने बनाया था. एंड इट क्लेम्स कि आपके पोर्स को भी क्लॉग नहीं करेगा समथिंग, मैंने कहीं इसका पढ़ा था कि ये पोर को क्लॉग भी नहीं करता. सो दैट्स व्हाई मैंने पिकअप किया बिकॉज जो वो वाला फिट मी है ना वो मुझे थोड़ा सा पोर क्लॉगिंग लगता है. उसको लगाने के बाद मुझे छोटे छोटे कॉमेडॉन्स एंड ऑल आने के इश्यूज हो जाते हैं. सो वो वाला मैंने यूज़ करना बहुत पहले अपने कॉलेज टाइम पर बंद कर दिया था. ये मैंने आप सबकी रिकमेंडेशन पर लिया है कि प्लीज़ ट्राई करो दोबारा. शेड है मेरा 128. उस टाइम भी मेरा फिट मी में 128 ही शेड था. सो आज मैं ये नहीं यूज़ करने वाली, मैं ये यूज़ करने वाली हूँ. प्राइमर ऑलरेडी ना हमने काफ़ी हाइड्रेटिंग यूज़ कर लिया, सो अब मुझे हल्का सा मैट इफेक्ट चाहिए. एंड दिस काइंड ऑफ मैचेस माई शेड एज वेल. मैं हमेशा फाउंडेशन कैसे लगाती हूँ, मैं यहाँ पर अच्छे से वार्म अप करती हूँ बिकॉज काफ़ी बार फाउंडेशन बॉटल के अंदर पड़ा थोड़ा सा अजीब फॉर्मुलेशन हो जाती है. सो उसको हल्का सा वार्म अप करना ज़रूरी है. स्प्रेड इट विद योर फिंगर्स रियली वेल. फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, मतलब कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा, विच इज़ अ गुड थिंग. मुझे ज़्यादा फाउंडेशन में हाई फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है. अभी भी डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर ब्रश से पिकअप नहीं करती, ब्रश के बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स आ जाते हैं. ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सो मैं कभी ऐसे पिकअप नहीं करती. नाउ कमिंग टू ब्रशेज, ब्रशेज भी मैं कुछ न्यू यूज़ करने वाली हूँ. मेरे पास हैं ये गब के ब्रशेज. सबसे पहले मेरे पास ये गब का बफर ब्रश, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो मैं आज ये वाला यूज़ करके देखती हूँ कि ये कैसा वर्क करता है. जा बेटा, इतनी टाइट की पैकेजिंग करके देते हैं कि बंदा बिल्कुल मर जाए निकालता. वो यहाँ पे टेप लगी हुई है. 2000 years later. This is how the brush looks like. काफी ज़्यादा हैरी पॉटर की वॉन्ड जैसा ये मुझे फील हो रहा है. I don't know why. Wingardium Leviosa. लेवियोसा नहीं, लेवियोसा. जिन्होंने हैरी पॉटर हिंदी में देखी होगी उनको पता होगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये थोड़ा सा हार्श है, मतलब मेरे अमेजोन ब्रश के कंपैरिजन में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो शेविंग वाला ब्रश नहीं होता उसको यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये हल्का सा मुझे हार्श फील हो रहा है. बफिंग मोशन आई थिंक इसी को बोला जाता है और ऐसे मोशन में इसको यूज़ करने वरना बहुत ज़्यादा हार्श है. आई वोंट रिकमेंड दिस पर्टिकुलर ब्रश. इसको लगाने मुझे पेन हो रहा है लिटरली. आई गेट बैक टू माई ब्यूटी ब्लेंडर. नया नया मैंने एक ऑलरेडी पहले यूज़ किया था फेसेस कैनेडा का जब मैंने डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाया था. सो ये सेट ऑफ टू में आता है, सो मैं दूसरा आज खोलने वाली हूँ. ये मुझे फ्री में मिल गया था फाउंडेशन के साथ, विच इज़ अ गुड थिंग. वो अब मुझे इसको वेट करना पड़ेगा और मुझे उठना नहीं है और क्या करूँ मैं, जुगाड़ लगाऊं. मेरे आलस के बाद मैंने यहीं बैठे बैठे इसके ऊपर पानी डाल लिया प्लास्टिक के ऊपर. फ्लोर पर नहीं गिराया, प्लास्टिक के ऊपर गिराया. उसको मैं बाद में फेंक दूंगी बिकॉज अभी मेरा मन नहीं है बाहर जाने का. सारा उठूंगी मेरा एकदम मूड वो हो जाएगा. फाउंडेशन इज एन ओके मैच. 128 मुझे उस टाइम भी सूट कर जाता था. अभी थोड़ा सा आई डोंट नो पेल क्यों फील हो रहा है. फिट मी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है. जो ऑक्सीडाइज होते हैं ना फाउंडेशन वो हमेशा एक शेड लाइटर हो तो बेटर है. ये थोड़ी देर बाद आप खुद देखना मेरी स्किन के ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मेरी स्किन जैसे ही फील होगा. सो अभी फिलहाल के लिए हम इसको ब्लेंड करके छोड़ देते हैं एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. मूविंग ऑन टू कंसीलिंग माई अंडर आईज बिकॉज खाली वो कलर क्रिएटिंग प्राइमर से काम नहीं चलेगा. मेरे अंडर आई काफ़ी ज़्यादा डार्क है. सो मेरे पास है ये वेट एंड वाइल्ड का इंस्टेंट फ्लॉलेस कम्प्लेक्शन हाईलाइटिंग एंड कंसीलर पेन. सो दिस आउट लुक्स लाइक. ये मैंने अपने हॉक मेकअप के हॉल में उसी में दिखाया था. ऐसे है, मतलब जब से ये रखा है ना ये ऐसे हो गया. कैन यू सी, ये ड्राई आउट हो गया सॉर्ट ऑफ. सो आई एम नॉट श्योर कि ये आएगा नहीं आएगा, बट लेट्स सी. सो इसको यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं ना इसको. ट्विस्ट ही नहीं हो रहा है तो ये खराब हो गया, ये पानी छोड़ रहा है. मैं नहीं यूज करने वाली इसको. ऑलरेडी एक तो प्रोडक्ट यहाँ तक आ गया है, इसने आई थिंक पानी छोड़ दिया है. कैन यू सी, मैं इसको यहाँ से पुश कर रही हूँ और पानी निकल के आ रहा है. कैन यू सी द वॉटर. आई थिंक कंसीलर पानी सेपरेट हो गया, बट आई एम सॉरी मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, मैं रिस्क नहीं करने वाली. सो नो टू दिस वन. और मेरे पास यहाँ पे कंसीलर ऑलरेडी पड़ा था. ये न्यू नहीं है बिकॉज न्यू में मेरे पास खाली वही कंसीलर था. ये फ्लिका का कंसीलर है जो मुझे काफ़ी पसंद है. फ्लिका कॉस्मेटिक्स भी काफ़ी अच्छी ब्रांड है. आपको इंस्टाग्राम पे इनके काफ़ी वीडियोज एंड ऑल देखने को मिल जाएंगी. ये मैं स्टूडियो रूम में रखती हूँ, सो थैंक गॉड मुझे नीचे नहीं जाना पड़ा. सो आई जस्ट डू माई यूजुअल कंसीलिंग. जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कंसीलिंग का, मैं वही फॉलो करने वाली हूँ.
Now coming to setting my face, I'll be using the Huda Beauty Easy Bake Loose Powder. ये भी आपने मेरे recent Nykaa PR haul में देखा होगा. ये मुझे receive हुआ था Nykaa की तरफ से. And this is basically a white baking powder, so translucent sort of ये होता है. But इसका as such कुछ वो color effect नहीं आता, so आप इसको easily अपने कोई भी skin tone पर use कर सकते हो. Just bake my face with this. मैंने काफी सारे makeup artists की video में ये देखा है. They're ooh, it's nice. Can you see कितना fine है ये? मुझे तब तक लगता था मेरा फिटमी का सबसे बेस्ट वर्क करता है, बट ओ माई गॉड लुक एट दिस, इट्स रियली फाइन. मैं इसे अपने इस एरिया में भी अप्लाई कर लेती हूँ, बिकॉज ये हल्का सा रिवर्स कॉन्टोरिंग का इफेक्ट देगा मेरे को. जहाँ जहाँ पर मतलब मैंने हल्का सा कंसीलर लगाया और जहाँ जहाँ पर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है ना, मैं वहाँ पर इसको डैप 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 कर लेती हूँ. मैं नोटिस किया, मैं जब भी ब्यूटी ब्लेंडर से लूज पाउडर पिक करके अप्लाई करती हूँ ना, वो ज़्यादा अच्छा मेरी स्किन को सेट करता है एज कम्पेयर टू ब्रश, बिकॉज वो ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से लगा है, वो एकदम ब्लेंड नहीं हुआ. इससे मेरा फाउंडेशन भी ब्लेंड हो जाता है, एट द सेम टाइम लूज पाउडर उसको इजिली पैक भी कर देता है. मूविंग ऑन टू आवर आईज, आज मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला आई शेडो पैलेट बाय हुडा ओनली. दिस इज सैंड हेज ऑब्सेशन आई शेडो पैलेट, ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट. जब मैंने खोला था ना, वो मेरा नेल टूट गया. वो आई शेडो पैलेट खुलने में टूट गया होगा मेरी एक्साइटमेंट एज यूजुअल, बट सच अ ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट. इन कलर्स को देख के ना मुझे नेल टूटने का भी कोई दुख नहीं हो रहा, बट लुक एट दिस यार, एकदम परफेक्ट आई शेडो पैलेट है जो मुझे पसंद है. वी हैव ग्लिटरी शेड्स, वी हैव न्यूट्रल शेड, एक डार्क शेड भी अगर आपको हल्का सा क्रीज के ऊपर लगाना हो, और ग्लिटर शेड्स तो एकदम bomb.com है, बिकॉज मैंने सर्च ऑलरेडी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डाल दिया था. ब्रशेस के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये स्टार्ट मेकर्स का आई शेडो ब्रश सेट. मैंने बहुत पहले अमेजोन से मंगाया था, अगेन वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो की फर्स्ट इंप्रेशन बनाऊंगी तब यूज करना स्टार्ट करूंगी. मैं काफी टाइम से ना आईज के लिए ब्रशेस अलग से ढूंढ रही थी, बिकॉज वो जो कॉमन वाले सेट वाले आते हैं ना अमेजोन पे, वो मुझे इतने मज़ेदार नहीं लगते. और मैंने जब ये वाला सेट देखा, आई वाज लाइक वाओ यार, इसके में लिटरली हर टाइप का ब्रश है जो आपको आई शेडो में आईज का मेकअप करने के लिए चाहिए होता है. हैव अ ब्लेंडर ब्रश, देन वी हैव मोर टू ब्लेंडर ब्रश हैं. यहाँ पे एक फ्लैट भी है, एक और चौड़ा वाला ब्रश है जिससे आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, एक बिल्कुल थिन वाला ब्रश है, एक और बिल्कुल ये वाला थिन वाला ब्रश है जिससे आप आई लाइनर नॉन लगा सकते हो. सो ओवरऑल मुझे ये वाले सारे ब्रशेस इतने बढ़िया लगे. आजकल एक बड़ी फेमस ट्रेंडिंग ट्रिक चल रही है इंस्टाग्राम पर, मैंने बहुत सारी रील्स देख ली है. वॉट दे डू, डार्क से लाइट वो शेड लगाते हैं, ऐसे एक एक करके स्ट्रोक लगाते हैं डार्क से लाइट शेड्स का, और फिर लास्ट में ब्लेंडर लेके उसको ब्लेंड कर देते हैं. सो आज मैं वही ट्राई करने वाली हूँ, मेरी आईज पर वर्क करता है नहीं करता, एक्सपेरिमेंट मेकअप ट्यूटोरियल है. सो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई नहीं, दोबारा मिटा के फिर और कोई क्रिएट कर लेंगे. बट मुझे ये ट्रेंड काफी टाइम से ट्राई करना था, सो लेट्स ट्राई दिस. सो दिस हाउ माई आईज लुक्स लाइक आफ्टर दैट ट्रिक. अब मैं ब्लेंड करने वाली हूँ और बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है, सो प्लीज़ इग्नोर द नॉइस. आपको फ्री का एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक मिलने वाला है. एंड लेट जस्ट क्रॉस फिंगर, बिकॉज ये मुझे अभी तक देखने में बहुत वियर्ड लग रहा है. आई डोंट नो ये कैसा ब्लेंड होगा. अगर ये ट्रिक काम करेगी ना, लिटरली काफ़ी सॉलिड वाला सेवियर हो जाएगा. जो यहाँ सॉकेट एरिया पर ग्लिटर शेड लगाना पसंद है, सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने हाथों से ये गोल्डन वाला शेड पिक करूँगी एंड आई जस्ट अप्लाई द सेंटर पोर्शन ओनली. ऑनेस्टली वो जो इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं ना, एकदम प्रो वाला ट्रांजिशन क्रिएट हुआ था उनका ये ट्रिक यूज करके, उतना नहीं होता है. एज यू कैन सी इतना कोई फ्लॉलेस ट्रांजिशन नहीं आया, बट ठीक है, अगर जल्दी जल्दी में आप आई शेडो कर रहे हो ना, तो ये ट्रिक काफ़ी काम आने वाली है. बट थोड़ा बहुत ऑनेस्टली मैंने भी टचअप किया है अभी बीच में, बिकॉज मुझे इतना वाव नहीं लगी ये ट्रिक. सो ओके ओके, मैं इसको मार्क्स देने वाली हूँ. बैक विद माई ब्लैक विंग लाइनर, सो मैं ये यूज करने वाली हूँ मेरे ईबा वाला. ये मैंने आपको बहुत पहले वाले हॉल में दिखाया था. आई लव दिस लाइनर, ये न्यू नहीं है, ये मेरी सेकंड परचेज है बाय द वे. मुझे इतना पसंद आया ये. आई थिंक इफ यू आर अ न्यूबी, अगर आप बिगिनर हो, आप आई लाइनर लगाना सीख रहे हो और आप अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हो, बिकॉज स्टार्टिंग में तो इतना महंगा पैसा लगाने का सेंस नहीं बनता, आप कॉलेज गोइंग हो, डू ट्राई दिस वन. एक तो इतना सस्ता है, ऊपर से इसकी टिप मतलब इतना अमेजिंग ये काम करता ना, कि पैकेजिंग की वजह से इसको लेती हूँ, बिकॉज इसका जो ये पूरा ब्रश हैंडल और जो इसकी टिप है ना, ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है. आई लाइनर भी काफ़ी अच्छा है, ग्लॉसी सॉर्ट ऑफ है, एकदम मैट इफेक्ट नहीं देता. लेकिन अगर आप पार्टीज एंड ऑल के लिए कोई अफोर्डेबल आई लाइनर ढूंढ रहे हो ना, दिस वन इज रियली नाइस. आज इतना पंप हो रहे हैं तो आई लैशेज भी लगा के ट्राई कर लेती हूँ. ऑल्दो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, मेरे लिए वर्क नहीं करती, बट लेट्स सी. मैं यूज़ करने वाली हूँ प्रो आर्ट की प्रीमियम लैशेज, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और लैश ग्लू के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पैक की लैश ग्लू. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रगल. आई एम डैम श्योर, मुझे पता है कि मेरे से नहीं लगेगी और लास्ट में मैं ऐसी आ जाऊँगी मेरा लैशेज लगाए, बट लेट्स सी. जय माता दी लग जाओ, जय माता दी प्लीज़, आज मेरी इज्जत बचा लो, लग जाओ लैशेज, कभी वो काम आ मेरे. तो पैसा लगाया मैंने इतनी सारी लैशेज लेने में और एक बार ढंग से नहीं लगाई. वो लग गई यार, कैन यू सी,
मैं परफेक्ट नहीं बोलूंगी बिकॉज अभी मुझे ये अंदर वाला कॉर्नर एकदम स्ट्रिक्ट नहीं लग रहा, बट प्लीज मेरे लिए कॉमेंट सेक्शन में क्लैपिंग कर दो यार, इतनी मेहनत मतलब इतने टाइम बाद मेरे से लैशेज लगी है, वो भी ओके ओके। आई थिंक नेक्स्ट टाइम मुझे लैशेज को काटना पड़ेगा बिकॉज मेरी जो आई लेंथ है लैशेज मैच नहीं होती, सो ये गलती मैंने आज करी है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। नीचे ना हेट कमेंट्स आएंगे कि तुम पहले सीख के आओ और फिर करना, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे साथ सीखना पसंद है। लाइक जब मैं ट्यूटोरियल बहुत टाइम बाद देखूंगी ना, आई फील लाइक यार आई सैट विद यू गाइज एंड आई एक्सपेरिमेंटेड, तो ये जो वीडियो है ना ये मेरा एक्सपेरिमेंट है जो मैं तुम्हारे सामने लाइव कर रही हूँ। मुझे अपने स्ट्रगल्स भी आप सबके साथ रिकॉर्ड करने चाहिए, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। कैमरा बैटरी लेजिट डाइड बिकॉज मुझे 3 घंटे लगे हैं ये लुक क्रिएट करने में, और आई कैन से मेकअप टेस्ट करने में काफी सारे स्ट्रगल्स भी हुए मेरे साथ, बट दिस इज हाउ माई लुक टर्नड आउट। इट्स लाइक ओके, मैं इतनी वाओ भी नहीं बोलूंगी, बट ठीक है अच्छी निकल के आई है। लैशेज वेंट रियली वेल, एटलीस्ट मैंने दोनों आईज की लैशेज लगा ली, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट, द ओनली थिंग इज दिस थिंग, आई डोंट नो ये इनर कॉर्नर वाली एकदम स्टिकी नहीं हो रही है, आई थिंक नेक्स्ट टाइम मुझे कट करके लगानी पड़ेगी। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट टूडेज मेकअप की आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, के ब्यूटी कलर करेक्टिंग प्राइमर्स दे आर डिसेंट इनफ, मैं उनको प्रॉपर कलर करेक्शन वाला नहीं बोलूंगी बिकॉज आपने खुद देखा इतना कोई कलर करेक्शन उससे हुई नहीं थी, लेकिन अगर आपकी ड्राई वाटर स्किन है ना तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम करेगी आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में, एज वेल एज थोड़े बहुत इम्परफेक्शन के ऊपर वो वर्क कर जाती है। फिटमिका फाउंडेशन आई लाइक इट, यू कैन सी काफी अच्छी उसने कवरेज भी दिया। ब्लश हाईलाइटर मैंने अपना यूज किया था बिकॉज नया मेरे पास था ही नहीं, सो मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाईलाइटर यूज किया था। हुडा ब्यूटी का पैलेट अमेजिंग, आई लव इट, आई थिंक आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड टू यू गाइज, अगर उस पर डिस्काउंट या फिर कोई भी डील एंड ऑल चल रही होगी ना तो प्लीज ये पैलेट ग्रैब करना। हेयर इट इज ओ गिर जाता भी, हेयर इट इज डेफिनेटली रिकमेंडेड टू यू गाइज। ब्रशेज मुझे काफी अच्छे लगे, ऑल्दो मैंने अभी सारे यूज नहीं किए हैं, मैं फ्यूचर में जब अच्छे सारे यूज करूंगी मैं आपको तब बताऊंगी, बट डेफिनेटली प्राइस पॉइंट के हिसाब से ब्रशेज मुझे बहुत अफोर्डेबल लगे, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और क्या यूज किया मैंने, गप का वो ब्रश मेरे को नहीं अच्छा लगा, यूज नो कंसील आपने खुद देख लिया, पुराना दे दिया था आई गेस हॉक मेकअप ने, सो अ ह्यूज नो टू दैट एज वेल। लिपस्टिक तो मुझे अच्छी लगी, मैंने जो नई यूज करी थी हुडा ब्यूटी वाली मैंने पहले यूज करी हुई थी, बट जो मैंने आज नई यूज करी है ये वाली के ब्यूटी की मैट ड्रामा फ्लैशबैक शेड में, ये मुझे काफी प्यारी लगी, बहुत प्यारा इसने हुडा ब्यूटी के साथ मिक्स होकर बहुत प्यारा एक लुक दिया है। अगर आपको फ्यूचर मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए ऐसे स्ट्रगल वाले टेस्टिंग वाले तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं चाहिए तो भी बता देना, इट्स ओके। आई नो मेकअप मेरा इतना कोई सॉलिड नीच नहीं है, मैं खुद स्ट्रगल करती हूँ मेकअप ऑन स्क्रीन करने में, आई डोंट नो जब मैं कैमरा के सामने मेकअप करने बैठती हूँ ना नहीं होता यार, नहीं होता। वैसे मेरा बहुत अच्छा निकल के आता है, एज यू कैन सी लैशेस के साथ काफी स्ट्रगल हो रहा है मेरा, और मुझे ना पता नहीं बहुत हैवी भी फील हो रहा है लैशेज के ऊपर, सो लैशेज आर डेफिनेटली नॉट माई थिंग, मैं थोड़ा सा अपने कम्फर्ट जोन से काफ़ी बाहर गई हूँ एक लुक को क्रिएट करने के लिए, बट या आई होप यू फाइंड इट वेरी वेरी हेल्पफुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।